आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हीरो एक्सट्रीम 160R 4V वाला मॉडल। गाइस इस मॉडल में आपको बहुत सारे न्यू चेंजेस देखने को मिलेगा, तो आइए गाइस आज जानते हैं इस 160 4V वाला मॉडल में आपको क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा। इसके साथ ही गाइस ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, उसके साथ ही बाइक रिलेटिव A to Z वीडियो का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना ताकि इस चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथ ही साथ इसी तरह के बाइक रिलेटिव A to Z वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, मैं हूं रूपम और आप देख रहे हैं आरके रूपम चैनल। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा हीरो एक जो ब्रांड है हीरो, सब में जो इसका मॉडल है सब मॉडल में थोड़ी बहुत कुछ छोटे मोटे चेंज देता ही रहता है। और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने हीरो की एक्सट्रीम 160 4V। जी हाँ गाइस, ये जो मॉडल थे 160R 4V जो मॉडल थे पहले जो आते थे वो उसमें आपको 2 valve इंजन देखने को मिलते थे, लेकिन इसमें आपको 4 valve इंजन देखने को मिलेगा। उसके साथ ही जो बड़ा बदलाव दिया गया है इस बाइक में वो है इसका सस्पेंशन। सामने को जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं इसमें आपको अभी USD फॉर्क वाला सस्पेंशन दे चुका है। उसके साथ ही ये जो मॉडल हीरो ने इसको लॉन्च करा है, और हीरो जो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं पहले जो 160R मॉडल हुआ करते थे कुछ उस टाइप का ही मॉडल है। मतलब दूर से देखने के बाद आपको फील होगा कि सेम ही मॉडल है, लेकिन अगर आप इसको नज़दीक से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें आपको कॉस्मेटिक थोड़े बहुत चेंज करा है और कुछ न्यू फीचर्स इस बाइक में आपको ऐड देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने पहले ही बताया इसमें आपको जो सस्पेंशन है वो चेंज करा है। आपको सीट दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें आपको न्यू सीटिंग कैपेसिटी दे चुका है हीरो इस बार इसमें, और इधर आपको 160 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और जो सीट का पोर्शन है काफ़ी हद तक से पहले से थोड़ा बहुत ही चेंज करा है। जो इसका टैंक की पोर्शन है वो भी पहले से थोड़ा चेंज करा है। इधर आपको 3D एम्ब्लेम के साथ एक्सट्रीम लिखा हुआ मिलेगा, और इधर हीरो की बैजिंग दिया गया है। और नीचे को आप देख रहे होंगे जो इसका इंजिन है, इंजिन की जो डिजाइन है पहले से बहुत ही चेंज है, और इसमें आपको एक फाइबर का इंजन काउल भी आ चुका है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन ये आपको पूरी फाइबर के साथ ही देखने को मिल जाता है। जो पहले वाला हीरो की जो 160R मॉडल थे एक्सट्रीम का उसमें आपको कोई भी ग्रैब व्हील देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन इसमें आपको 4V वाला मॉडल में आपको एक एक्सटर्नल ग्रैब व्हील देखने को मिलेगा जो कि एक स्प्लिट टाइप का ग्रैब व्हील है। इससे इसका जो लुक है पीछे से बहुत ही और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा आई कैचिंग टाइप का लग रहा है देखने में, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। और गियर पोजिशन की अगर हम बात करेगा इसमें आपको पहले की तरह ही 5 गियर पोजिशन दे चुका है। उसके साथ ही इसमें आपको जो हैंडलिंग है, हैंडल में आपको लेफ्ट साइड में एक हैजार्ड की सिस्टम आ चुका है, हैजार्ड की स्विच दे चुका है जैसे कि आप देख रहे होंगे। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स दिया गया है, और मीटर आप लोग देख सकते होंगे ये जो मीटर है पहले की तरह ही है, थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक चेंज करा है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स दिया गया है, 5-star इंजन कटअप स्विच की जो फीचर्स है वो भी दिया गया है। ABS इसमें आपको गाइस सिंगल चैनल ABS अभी देखने को मिलेगा। और 4V का मतलब है गाइस इसका जो इंजन है काफ़ी हद तक से जो पहले वाला मॉडल थे उससे मोर पावर, मतलब मोस्टली पावर इसमें आपको दिया गया है। हीरो बोल रहे हैं कि 160 सेगमेंट के हर एक बाइक को बहुत ही ज़्यादा इसका जो कंपटीशन है होने वाला है, मतलब बहुत ही पावरफुल इसमें आपको इंजन दिया गया है। और हेडलाइट आप लोग देख सकते हैं इसमें आपको जो हेडलाइट, मतलब जो लाइटिंग पोर्शन की अगर हम बात करें पीछे से लेकर सामने की ओर सब कुछ आपको LED में ही देखने को मिल जाता है। इसके हेडलाइट के ऊपर आपको एम्ब्लेम देखने को मिलेगा, 3D एम्ब्लेम जो कि क्योंकि जो स्टाइलिश एम्ब्लेम है इसमें हेडलाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसमें आपको थोड़ा बहुत DRL दिया गया है, और ये इसका हेडलाइट है जैसे कि देख रहे होंगे फुली आपको LED वाला हेडलाइट देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यही था कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन हीरो एक्सट्रीम 160R 4V के बारे में। गाइज आपको कमेंट करके जरूर बताना ये बाइक आपको देखने में कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। इसके साथ ही
अगर आप में से कोई भी बंदा इसको टेस्ट राइड करना चाहता है तो आप आपके जो नियर बाई हीरो शोरूम है उधर कंटेक्ट कर सकते हो उसके साथ ही। टेस्ट राइड करने के बाद मुझे बताना कैसा लगा ये बाइक, क्या आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, प्रो एंड कॉन्स जो भी आपको इस बाइक में दिखा मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही इसी तरह की बाइक रिलेटेड A to Z वीडियो का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि इस चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।